इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। एक तरफ जहां सूबे की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं ठीक इसके उल्टा आजमगढ़ के महिला अस्पताल के डॉक्टर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ताजा मामला जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ का है, जहां तरौलिया थाना क्षेत्र के कठुई गांव की रहने वाली कंचन डिलीवरी के लिए समय लगभग दोपहर 2 बजे अस्पताल में आई थी, तो वहीं मरीज कंचन का आरोप है कि मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण डॉक्टरों ने अपना कार्यकाल का समय पूरा होने का हवाला देते हुए डॉक्टर रश्मि ने एडमिट करने से मना कर दिया। क्या मामला है, यहाँ पे आप आई हैं? बस ऑपरेशन करवाने आए हैं, विफल हुआ है अतरौलिया से। तो क्या हुआ है, कितने बजे से यहाँ आई हैं, क्या कारण है? यहाँ 2 बजे आए, उसके पहले आए थे तो वहाँ भीड़ लगी थी, इसके यहाँ आ नहीं पाए, भीड़ की वजह से लेट हो गई थोड़ा, इसीलिए भर्ती नहीं ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब भर्ती नहीं ले रहे हैं। क्या बोली हैं? कह रहे हैं नहीं, अब नहीं भर्ती लेंगे। क्यों नहीं ले रहेंगे, ये नहीं कुछ समय पूरा हो गया। कौन से डॉक्टर? यहाँ मौजूद डॉक्टरों की संवेदनाएं इतनी खत्म हो गई कि गर्भवती महिला को अस्पताल परिसर में ही तड़पता छोड़ दिया, तो वहीं मरीज के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने अस्पताल में एडमिट करने से मना करते हुए कहा कि कहीं और लेकर जाओ, हमारा टारगेट पूरा हो गया है। तो वहीं मीडिया का कैमरा देख डॉक्टर ने कुछ भी कहने से मना कर दिया और आनन फानन में मरीज को एडमिट किया। सर हम जयंती राजभर है, हम सोशल वर्कर हैं। क्या यहाँ समस्या आ रही है? समस्या ये, एक कटोही गांव से डिलीवरी थी उनकी, सीजर ऑपरेशन एक बार पहले हो चुका था, यहाँ 3 बार लोग दिखाए थे 1 साल पहले, तो बच्चा एक्सपायर हो गया क्योंकि यहाँ लेट हुई थी, फिर दोबारा इन्होंने यहाँ पे डिलीवरी के आए तो ये लोग कह रहे हैं एडमिट नहीं लेंगे, और चूंकि इनका अतरौलिया CSC से रेफर है और इन्होंने कहा एडमिट नहीं लेंगे, हमारा समय 2 बजे के बाद नहीं लेते हैं, और ये परेशान बहुत है। इन लोगों ने मुझे फोन किया कि दीदी हमारे, हम बहुत परेशान, हमारे पास पैसा नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लेके जाइए किसी प्राइवेट में एडमिट करिए, हमारे पास समय नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम कल या तो करेंगे या तो आज नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सवाल कर रही हूँ कि मतलब अगर पेशेंट, या तो सरकार की जननी सुरक्षा योजना और जच्चा बच्चा सुरक्षा सारी योजनाएं फेल हैं, या तो यहाँ व्यवस्था अच्छी दी जाए, जबकि नाइट शिफ्ट में भी कोई डॉक्टर मिले ताकि ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन करके इनको कम से कम रिलीफ तो मिले, और यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पहले दिखाई नहीं है, हम आपको एडमिट नहीं लेंगे, जबकि इनका रेफरेंस है, वहाँ से रेफर होके आई हैं, और जो गांव से महिलाएं बहुत मुश्किल से आ पाती हैं शहर में, वो अपने CSC में दिखा रही हैं। इस दौरान तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने हमारी फोन किया, ऐसे मुसाफिर ने कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती, हमने कहा मैडम एडमिट तो करवा दीजिए, उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो कि हमने अमिता अग्रवाल से मुसाफिर से बात किया था, उनका मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।